राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार सुबह जिले के विभिन्न राजकीय कार्यालयों पर झंडारोहण किया गया। 69वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला कलेक्टर आरुषि अजय मलिक ने कलेक्ट्रेट पर तिरंगा फहराया। पुलिस टुकड़ी ने मलिक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। तत्पश्चात राष्ट्रीय गान गाया गया। मलिक ने सभी कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। आज स्वाधीनता दिवस के शुभ अवसर पर सभी अजमेर जिले वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह स्वतंत्रता हमें बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों के जो बलिदान है उसके फलस्वरूप मिली है, और अब हम अपने देश को क्या क्या अपना योगदान दे सकते हैं उसके लिए हम सब कटिबद्ध हों। सबको पुनः एक बार स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने झंडारोहण किया। पुलिस बल की ओर से झंडे को सलामी दी गई। पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस तरीके से इस देश को अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपनी बहादुरी, अपने त्याग एवं बलिदान से आज़ाद कराया है, न सिर्फ उस आज़ादी को क्षुण्ण रखे बल्कि उस आज़ादी को सही पैमाने से देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुँचाए। आज बड़ा ही पावन पर्व है, आज़ादी का दिवस है, तो स्वतंत्रता दिवस पर मैं अपनी ओर से और हमारे जिला पुलिस की तरफ से सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आज के दिन हम उन शहीदों का नमन करते हैं जिनके बलिदान और त्याग से हमें आज़ादी प्राप्त हुई है। आज हमारे संकल्प का दिवस भी है कि हम अपने देश की सेवा के लिए और अधिक परिश्रम, ईमानदारी, लगन और मेहनत से अपना कर्तव्य करते रहें, और हम सभी आपस में आपसी भाईचारे और प्रेम से रहें। इस देश के लिए, विकास के लिए हम जी जान लगा दें। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजस्व मंडल कार्यालय में मंडल अध्यक्ष नीलिमा जौहरी ने झंडारोहण किया। इस अवसर पर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
नगर निगम में सीईओ एच गुइटे ने झंडारोहण किया। इस अवसर पर अधिकारी और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी गई। कहीं मेले जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों है घेरा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष ललित के पवार ने झंडारोहण कर सलामी दी। इस अवसर पर पवार ने उपस्थित सभी कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अध्यक्ष ने ध्वजारोहण कर उपस्थित सभी कर्मचारी और उनके परिवारजनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बीएल चौधरी ने ध्वजारोहण कर सभी कर्मचारियों को स्वाधीनता दिवस की बधाई दी। वहां मौजूद सभी अधिकारी और कर्मचारियों को मिठाइयां बांटी गई। चौधरी ने इस मौके पर कर्मचारियों और सुरक्षा गार्डों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाया। आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। किसी नगर में किसी स्वतंत्रता दिवस की इस 69वीं वर्षगांठ पर सभी कर्मचारियों, देशवासियों, विद्यार्थियों और समाज के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। हिंदुस्तान विकास की जिस दिशा की ओर बढ़ रहा है उसकी गति में और बढ़ोतरी हो और हम सत्य और निष्ठा के साथ में हमारा जो कर्तव्य है पूरा कर लें तो शायद मैं समझता हूँ ये देश की सबसे बड़ी सेवा होगी। आयकर विभाग के संयुक्त आयुक्त केसी मीणा ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर मीणा ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। कोई न ताला डाले और प्रेम की बंसी जहां बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है। स्वतंत्रता दिवस का उपलक्ष्य हम सभी राष्ट्रवासियों के लिए एक पावन पर्व है। ये हमें इस बात की हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि उनके बलिदान को हम सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सभी लोग अपने कर्तव्य से का पालन पूर्ण निष्ठा और कर्तव्य से करें। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के जीएलओ ग्राउंड पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक नरेश सालाचा ने तिरंगा झंडा फहराकर वहां मौजूद अधिकारी और कर्मचारी और उनके परिजनों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस मौके पर आरपीएफ के जवानों ने परेड कर तिरंगे को सलामी दी। वो भारत देश है मेरा जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप केंद्र एक के डीआईजी राजू भार्गव ने ध्वजारोहण कर सभी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।
69वां स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे मैं सभी अजमेर वासियों को अपनी तरफ से और ग्रुप सेंटर एक के सभी अधिकारी और जवानों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज इस ग्रुप सेंटर के अंदर हमने स्वतंत्र दिवस की का झंडा रोहण का कार्यक्रम यहाँ रखा, जिसमें सभी अधिकारी और जवानों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। CRPF के जितने भी अधिकारी और जवानों को जो इस साल विभिन्न विभिन्न मेडलों से नवाजा गया है, उनके बारे में सभी जवानों को विस्तृत रूप से बताया जाता है और CRPF के जो भी पूरे साल की उपलब्धि है उसके बारे में भी यहाँ जानकारी दी जाती है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह रलावता ने अस्थायी कांग्रेस कार्यालय पर ध्वजारोहण कर सलामी दी। इस मौके पर सेवादल कार्यकर्ताओं ने तिरंगे झंडे को सलामी दी। आजादी के पर्व पर समस्त अजमेर वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। इस देश की आजादी के आंदोलन के अंदर जिन अमर शहीदों ने अपना बलिदान समस्त निछावर करके इस देश की आजादी को जो प्राप्त की थी, और आजादी के बाद देश के नवनिर्माण के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सरदार मनमोहन सिंह के नेतृत्व के अंदर जो देश आज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा, उन लोगों को उन सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपनी तरफ से पूरे अजमेर वासियों को इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। इनके घर में मंगल में हो, इनकी तमाम इच्छाएं पूरी हो।